हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्रालय ने एक रूल चेंज कर दिया है, तो रूल के बारे में हम बात करेंगे। अपडेट बुरा है या अच्छा है हमारे लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो यार, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी नई नई अपडेट एजुकेशन की आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो UGC नेट की, तो आपको यहाँ पर सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट वही वही प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट वही प्रोफेसर में दोस्तों यहाँ पर बदलाव किया गया है। मतलब अगर आपको किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट वही प्रोफेसर बनना है, तो ये बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, बदलाव हुआ क्या है और इस ईयर से लागू करने की यहाँ पर बात की गई। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, चेंज किया गया है। अगर आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट वही प्रोफेसर बनते हो, तो वहाँ पर यह था पहले कि आपने नेट क्वालिफाई किया, तो आपको इजीली वैकेंसी थी, वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाती थी। बट अब क्या करने वाला है दोस्तों मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अभी तक नहीं किया है, बट अब क्या करने वाला है दोस्तों, जिन्होंने पीएचडी किया है और नेट किया है, दोनों अनिवार्य है। देखिए ध्यान से सुनना, जिन्होंने नेट और पीएचडी किया है वही असिस्टेंट वही प्रोफेसर बनेगा। मतलब नेट भी करना कंपलसरी है और पीएचडी भी करना कंपलसरी है, जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। पहले ऐसा रूल नहीं था दोस्तों, ये रूल 2018 में बना था कॉलेज के लिए, जहाँ पर उनकी इंक्रीमेंट के लिए ये रूल बनाया गया था, बट इसको अप्लाई किया जा रहा है अब। और पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था, पीएचडी और नेट एग्जाम दोनों को अलग अलग ही था कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ है सो यू कैन अप्लाई, एंड आपका पीएचडी हुआ है सो यू कैन अप्लाई। बट अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, असिस्टेंट जो प्रोफेसर की भर्ती होती है, वहाँ पर जो नेट का वेटेड होता था वो 5 से 10 अंकों के बीच में था, बट अब पीएचडी का वेटेड दोस्तों 30 अंकों तक कर दिया जाएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि अच्छी खबर है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी अच्छी खबर यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए दोस्तों इसके पीछे रीजन है। नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई भी हमें अमाउंट नहीं चाहिए, 1000 का फॉर्म लगता है, हम इजीली नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। एक गरीब का, अगर मैं मानूँ गरीब स्टूडेंट भी दोस्तों नेट क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसमें अच्छी नॉलेज है, स्किल है। बट अगर आपको पीएचडी करना है, तो आपको दोस्तों 2 से 3 साल लगता है, और अमाउंट जो है 5 से 6 लाख रुपये आपका लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया कि यार अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो 4-5 लाख रुपये लगाओ जब जाके आप बनोगे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर GRF क्लियर करो, भाई GRF भी क्लियर नहीं होता है जल्दीबाजी में। GRF कब क्लियर होगा, जब आप कोचिंग करोगे, एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई पुअर स्टूडेंट है तो उनके लिए तो काफ़ी ये हार्ड चीज़ हो गई। PhD करना भी देखिए 2-3 साल की PhD होती है, और गर्ल्स के लिए तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गर्ल्स की जो मैरिज है दोस्तों जल्दी हो जाती है, उनके लिए PhD करना एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, पर नेट वो इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं घर बैठे बैठे, और किया भी है काफ़ी लोगों ने। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी खबर नहीं है। और अगर हम देखा जाए लास्ट जो हमारे पुराने कॉलेज हैं, जो IIT है दोस्तों, उनमें जो असिस्टेंट और प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी PhD बाद में किया हुआ है, कन्फर्म है उन्होंने भी PhD बाद में किया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ये रूल चेंज करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।